शादी के लिए आए हैं। मैं एक घंटा में शादी के बारे में, मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में, मैं जानता हूं ये लोग आज सुनेंगे नहीं, पर आप लोग सुनेंगे। हालेलुया। इधर आए हुए हर व्यक्ति किसी ना किसी परिवार से है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई परिवार से नहीं, मैं अकेला टपक गया हूं, किसी को बोला ना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज के अधीन में होने वाला हर व्यक्ति शादी क्या है समझने का। बंदर के हाथ में नरियल देगा तो उसको मालूम नहीं क्या करेगा, उसी तरह कई शादी शुरू तो अच्छा होता है, बीच में फंस जाते हैं। अगर आज आप सुनेगा, मैं एक घंटा में शादी की सारी बातों को बताने वाला हूं। मेरे ऊपर प्रभु यीशु की अभिषेक है। अनेक डाइवोर्स करने वाले परिवारों को फाइल कोर्ट में अंतिम स्टेजों में जब मैं उनसे बात करता हूं, प्रभु उन्हें आजादी देता है। शादी किसी मनुष्य की आइडिया नहीं, शादी मेरा यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर की आइडिया है। हालेलुया। विराज जरा गौर से सुनना। हालेलुया। मैरिज इज ऑनरेबल टू ऑल, मैरिज इज गॉड्स आइडिया। जेनेसिस जैसा ब्रदर पढ़ा, जेनेसिस 2:18, उत्पत्ति के किताब 2:18, किसी को बोलो ध्यान से सुनना, अपना मन को लगाना, शादी करने वाला भी आशीष पाएगा, शादी किए वाला आशीष पाएगा। स्पेशली इधर दो परिवार है, प्रभु मुझे दिखा रहा है आपके अंदर, आपके परिवार में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, आज प्रभु आपके जीवन में उत्तर लेके आया है। आप अगर सुनेगा प्रभु की अभिषेक आपकी घर की लड़ाई को निकालकर आपके घर में शांति देगा। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब 2 अध्याय उसकी 18वां वाक्य। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आज इस जगह पर विराज और नाइजल का दिन है, इसलिए उन्हें हम उदाहरण के तौर से लेता हूं। उधर लिखा गया, वापस पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, धरती में मनुष्य ऐसा टपका नहीं, परमेश्वर ने बनाया। मट्टी के पुतले से परमेश्वर ने मनुष्य पुरुष को रूप दिया, उसकी नाखों में सहायक बनाऊंगा, मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। हमें एक शादी आदमी और औरत से होता है, आदमी और आदमी से नहीं होता है। लीगली अगर गवर्नमेंट भी बोलेगा, मेरा वचन, मेरा बाइबल नहीं बोलता है आदमी और आदमी का शादी होता है, मेरा बाइबल नहीं बोलता है औरत और औरत का शादी होता है, मेरा बाइबल बोलता है आदमी और औरत का शादी होता है। कोई हम जिंदे लोगों से बात कर रहा लगता है, थोड़ा हाँ तो हाँ मिलाइए, ना तो ना तो ना मिलाइए। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। इसलिए मैं उसके लिए, विराज का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। देखो जो भी शादी किया है, परमेश्वर आपका शादी परमेश्वर ने रचा है। हमें पति और पत्नी आपको परमेश्वर ने ठहराया। हमें तो कैसा है विराज के लिए, कैसा है वो? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक बनाऊंगा, सहायक बनाया जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए, जो उससे लड़ाई करने के लिए नहीं बोला है। पर जितना परिवार ले लो, सारी परिवार में रेसलिंग WWF टीवी में देखने का नहीं, घर में देखने का। कोई सुन रहा है? कोई समझ रहा है? नहीं लग। प्रभु क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो वापस भाई, किसी को बोलो वचन को ध्यान से सुनो, ये मेरी वचन है, खुदा का वचन है। हाँ, विराज का अकेला रहना अच्छा विराज नहीं। का अकेला रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए, मेल खाए। नाइजल विराज से मेल खाएगा, डुसुम डुसुम नहीं करेगा,
हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। जब एक पति और पत्नी समझता है अपने रोल को, तो परिवार धरती में स्वर्ग बनेगा। अगर हम नहीं समझेगा पति कौन, अधिकतर लोग क्या करते हैं, पिक्चर का जैसे गाज के पीछे घूम घूम के आते हैं घर में। अरे गाज के पीछे वाला घूमने वाला पिक्चर की बात नहीं है, जब असलियत में जीवन में आता है तब चला है। पर कितने लोग कहते हैं नहीं, मैं अपनी परिवार टूटने नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार को बनाऊंगा, और उसके लिए मुझे परमेश्वर चाहिए, उसके लिए आई नीड गॉड, because it's God's idea. Come on, marriage is God's idea. I need God to build my house. मुझे यीशु चाहिए मेरा घर को बनाने के लिए। भजन संहिता 127 उसका एक में लिखा, 127 उसका एक में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। उसका मतलब पति को यीशु चाहिए, पानी से बढ़कर यीशु, विराज को यीशु चाहिए, किसके लिए, घर को बनाने के लिए। नाइजल को यीशु चाहिए, किसके लिए, घर को बना, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपना घर को बनाए। हमें प्रभु घर दिया है, परिवार दिया। देखो घर, जिस घर को बनाया उस घर में क्या लगता है, पत्थर, ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह वगैरह लगता है, उसके बाद वो बनाने वाला उसका दरकार नहीं। हम जिस घर में रहते हैं, इस जगह को जो बनाया, इधर हम आए तो जो बनाने वाला नहीं था, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा वैसे का वैसे ही है। पर हम और आप जिंदे हैं भाई, हमें यीशु चाहिए। कौन जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। अगर मैं अपनी इच्छा से, अगर विराज अपनी इच्छा से चलेगा, नाइजल अपनी इच्छा से चलेगा, तो क्या होगा, तकरार होगा, लड़ाई होगा। पर विराज अगर यीशु की इच्छा पर चलेगा, नाइजल भी यीशु की इच्छा पर चलेगा, वो घर आशीष पाएगा। मुझे यीशु चाहिए। कमान जोर से बोलो, मुझे मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। कारण क्यों, यीशु ने परिवार का शुरू किया, कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया परिवार को। गवर्नमेंट बनने से पहले परिवार था, सरकार बनने से पहले सरकार, परिवार से सरकार बनते हैं। पर शैतान परिवार को तोड़ने के लिए देख रहा है। जोर से बोलो, हम टूटने नहीं देंगे। छिला के बोलो, हम टूटने नहीं देंगे। पति होकर आपकी जिम्मेदारी है आपकी परिवार को बनाए, पत्नी होकर आपकी जिम्मेदारी है आपकी परिवार को बनाए। कितने लोग बोलेगा, मैं अपनी परिवार को बनाऊंगा। अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस, इट बिल्डर्स लेबर अवे। आइए उत्पत्ति 2 उसका 21 को पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर, आदम जब सोया हुआ था, परमेश्वर जब हवा को आदम के पास लाया, आदम क्या कर रहा था, सो रहा था। जोर से बोलो, आदम सो रहा था। जोर से बोलो, आदम। इसका मतलब प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हमको उस यीशु पे विश्वास करने का है, वो मेरी परिवार को बनाएगा। सब कुछ के लिए मैं यीशु पे भरोसा करेगा, वो मेरी परिवार को टूटने नहीं। मेरा यीशु मसीह डाइवोर्स का खिलाफ है, he hates divorce, but he loves family. मेरा यीशु मसीह मेरी परिवारों से प्रेम करता है। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह परिवारों से प्रेम करता है, जो पति पत्नी एक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। वो सो रहा था, कौन सो रहा था, जब हवा को, जब नाइजल को लेके आया, विराज सो रहा था।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी आसान है पारिवारिक जीवन, और हम अपनी मर्जी से, अपनी ताकत और बल से परिवार को चलाना चाहते हैं। पति पत्नी को खुश करते हैं, खुश करना चाहते हैं, पत्नी पति को खुश करना चाहते हैं, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। किसी को बोलो यीशु को खुश करो, आपका जिंदगी आशीष पाएगा। उसका मतलब मुझे यीशु मसीह, देखो वचन प्रिंसिपल पर चलता है, प्रभु की सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे चलता है। हम जब उस सिद्धांत को फॉलो करेगा, हम आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे, कोई चीज है कुछ गिराने के लिए, जल्दी से कुछ जीज दे, समथिंग, एनीथिंग विच डजंट ब्रेक। ओके, जब मैं ये छोड़ता तो ये नीचे जाता है, क्यों? पहले बच्चा कोई सुन रहा है, पर सबसे बड़ा मुश्किल है प्राण में एक होना। प्राण क्या है? मन, भावना, इच्छा। उस जगह पर जो व्यक्ति, जो परिवार एक होगा, वो परिवार आशीष पाए। इसलिए मन, भावना, इच्छा। अब विराज अपनी इच्छा पर अड़ा रहेगा, नैजल अपनी इच्छा पर अड़ा रहेगा, ये परिवार सुखित नहीं होगा। पर विराज अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा को अपनाएगा, नैजल अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा को अपनाएगा, अपना सब कुछ त्याग देकर अपनाएगा, तो प्रभु उनके बीच में रहकर तीसरा व्यक्ति बनकर वो परिवार को आशीष करेगा। आमेन। जोर से बोलो मुझे यीशु चाहिए। वीरा जोर से बोलो मुझे यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए। किस लिए? अच्छा पति बनने के लिए, अच्छा बाप बनने के लिए। कम ऑन, मुझे यीशु चाहिए। अच्छी माँ बनने। क्या बात है, अभी से घोषणा कर दिया। हालेलुया। ओके, जल्दी से पढ़ेंगे एफिसियों। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, इट्स बाइबल, वो बाइबल है। हाँ पढ़ेंगे। मसीह के भय से परिवार में, एक पति के जीवन में, एक पत्नी के जीवन में पहला भय होना चाहिए, मसीह का भय। फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विस्डम। मसीह का भय। अगर विराज को मसीह का भय है, नैजल को मसीह का भय है, अधिकतर पति लोग घर में डॉन है भाई। घर में आने से पहले बच्चे लोग बोलता है डॉन आ गया, भागो भाई। कोई कोई घर में मां डॉन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा घर धमकी और डर का जगह नहीं है, हमारा दिस प्लेस। आई लाइक टू स्टे इन माय होम बिकॉज आई लव माय वाइफ, आई लव माय होम, आई लव माय चिल्ड्रेन। सबसे ज्यादा समय मैं अपने घर में बिताता हूं क्योंकि मेरे घर शांति से भरा है, क्योंकि आई हैव द फियर ऑफ गॉड। मेरे अंदर परमेश्वर की भय है। हम लोग का 23 साल हो गया शादी होकर, प्रभु हमारा घर को, शुरू शुरू में खिटपिट हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हमें, पर जब हमें प्रभु का सिद्धांतों को मिला, उसे इस्तेमाल करने लगा, हमारा घर आज धरती में स्वर्ग है। मेरा पत्नी इस जगह पर है, पास्टर सेलिन, जोर से मेरे पत्नी के लिए ताली बजाइए। ओके, क्या लिखा है 21वां वाक्य में? मसीह के भय से यीशु मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। रेवरेंस ऑफ क्राइस्ट टू हम्बल योरसेल्फ विद ईच अदर। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे, अगर हमको मसीह का भय है तो हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे, हम एक दूसरे को लात मारेंगे। कितना लोग सुन रहे, धरती में हमें कोई भय होने का नहीं, एक ही भय होने का है, मसीह का भय। जिस खुदा ने मुझे बनाया, वो भय हमें डर नहीं देता है, वो भय हमें आश्वासन देता है, वो भय हमें शांति देता है, वो भय हमें नव फल देता है। मसीह का भय क्या करता है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे, विराज और नैजल एक दूसरे के अधीन रहने का। हालेलुया। मसीह के भय एक दूसरे, पति पत्नी को अधीन रहने के लिए मदद करता है। आई नीड क्राइस्ट।
Come on, जोर से बोलो, I need मसीहा. I need मसीहा. चिल्ला के बोलो, I need मसीहा. I need मसीहा. हाँ. हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो.